वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा में। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि आज मैं एशिया के सभी देशों के बारे में डिस्कस करूंगा। सभी देशों के बारे में नहीं, बल्कि आज जगह नहीं मिल पाई थी तो कुछ देशों के बारे में हम आज बात कर रहे हैं और कुछ देशों के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 2019 वाला जो स्किल टेस्ट बचा था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, तो यदि जिनका भी सिलेक्शन हुआ था और जिनका भी स्किल टेस्ट देना बाकी था, यदि वो अपने प्रैक्टिस को जानना चाहते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम में मैटर्स आएंगे, तो प्रीवियस ईयर का मैटर अपन के पास अवेलेबल है। यदि जिनको भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए जो स्टेनो के पेपर्स देने हैं तो वो संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप ले लीजिए और यकीन मानिए बहुत ही आपको बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से मैटर से यदि आप थोड़ा सा हार्ड प्रैक्टिस करके जाएंगे तो निश्चित ही है कि आपको सारे वर्ड्स मिलेंगे, जितने भी डिक्टेशन वहाँ बोले जाएंगे वो आपको पकड़ में आएंगे आपके हाथ, ठीक ना। तो आप लेने की पूरी कोशिश करिए। तो चलिए आज के चुनिंदा शब्दों की हम करते हैं आउटलाइंस। पहला नंबर पर अपना भारत, जो कि एशिया महाद्वीप में आता है, राजधानी है इसकी न्यू दिल्ली। बात करते हैं भारत का शब्द चिन्ह किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो देखिए इस तरीके से भाई के व्यंजन को बनाएंगे रा आंकड़े के साथ, अंत में हमको जोड़ देना है ताय के आंकड़े को, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत। उसके बाद क्या दिया है, हमारा भारत के पड़ोसी देश हैं चीन। तो देखिए चा व्यंजन को बनाना है आपको ना आंकड़े के साथ, यदि आप चाहें तो इसमें बड़ी ई की स्वर लगा दीजिए, ये बन जाएगा चीन। उसके बाद दिया क्या है, नेपाल। नेपाल चूंकि अपना पड़ोसी ही देश है, देखिए ना के व्यंजन से बनाना है आपको, फिर करना क्या है, थोड़ा सा इतना डैश के रूप में हटाना है, पिप्पा व्यंजन को ना आंकड़े के साथ आपको बनाना है, आप चाहें तो ना में ऐ की स्वर लगा दीजिए, ये हो जाएगा नेपाल। उसके बाद क्या है, भूटान। भूटान भी अपने ही पड़ोसी देश है, तो चलिए बात करते हैं भूटान की। भूटान की राजधानी है थिम्पू और नेपाल की राजधानी थी काठमांडू, ठीक ना। अब देखते हैं भूटान किस तरीके से बनेगा, भाई के व्यंजन को आपको बनाना है, फिट करना क्या है, टा व्यंजन को बनाना है ना आंकड़े के साथ, आप इसमें बड़ा आई की स्वर लगा दीजिए टा के टा में, ये हो जाएगा भूटान। उसके बाद क्या है, म्यांमार। म्यांमार देखिए माँ के व्यंजन से बनाना है आपको, या के व्यंजन से म्या, फिर माँ व्यंजन को रा आंकड़े के साथ बना देना है, ये बन जाएगा म्यांमार। उसके बाद क्या दिया है, वियतनाम। वियतनाम देखिए एशिया का ही देश है, तो वियतनाम देखिए बनाने का तरीका किस तरीके से बनेगा, देखिए वाई के आंकड़े को बनाना है या के व्यंजन के साथ, राइट, फिर ता के व्यंजन को बनाना है आपको इसी में ना के आंकड़े के साथ, फिर इसमें माँ व्यंजन आपको जोड़ देना है, ये हो जाएगा वियतनाम। उसके बाद क्या है, पॉइंट नंबर 7, कंबोडिया। कंबोडिया देखिए किस तरीके से हम बना सकते हैं, काय के व्यंजन को आपको बनाना है, राइट, फिर करना क्या है, माय के व्यंजन को बनाना है, ये हो जाएगा कम। अब करना क्या है आपको, डा व्यंजन से आप काटिए और इसमें जोड़ दीजिए या के आंकड़े को, ये बन जाएगा कंबोडिया। उसके बाद दिया क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान की देखिए जो पहले राजधानी रहा करती थी वो थी कराची, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान भी अपना पड़ोसी देश है, तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान किस तरीके से बना सकते हैं, पाए के आंकड़े को हम बनाएंगे काय के व्यंजन के साथ, राइट, फिर इसमें सा के वृत्त को बनाते हुए ता व्यंजन को ना आंकड़े के साथ, ये हो जाएगा पाकिस्तान। उसके बाद क्या है, अफगानिस्तान। चूंकि अफगानिस्तान की अफगानिस्तान भी अपना पड़ोसी ही देश है, चूंकि अफगानिस्तान की सीमा अपने भारत से, यानी सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत अपने सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। अफगानिस्तान देखिए फ़ै के व्यंजन को बनाना है आपको, फिर गा के व्यंजन को बनाना है अफगा, फिर ना के व्यंजन को सा के वृत्ति के साथ बनाते हुए ता व्यंजन को ना आंकड़े के साथ बना देना है आपको, ये हो जाएगा अफगानिस्तान। उसके बाद क्या देखना है, बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश आ गया, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि बांग्लादेश जो है वो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साझा करता है, तो हमारे भारत की जो सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के ही साथ लगी हुई है। बांग्लादेश जो कि पड़ता है ईस्ट, यानी पूर्व में पड़ता है हमारे भारत के, तो चलिए देखते हैं बांग्लादेश किस तरीके से हम बना सकते हैं, बांग्लादेश, राइट, तो देखिए इसमें करना क्या है आपको, बा के आंकड़े को बनाना है ना के व्यंजन के साथ, फिर करना क्या है, बांग्ला, ठीक, तो गा व्यंजन को ला आंकड़े के साथ, इतना हो गया बांग्ला। दा व्यंजन को बनाना है, इसमें सा के वृत्त को दा में ए की स्वर लगा दीजिए, ये पढ़ा जाएगा बांग्लादेश। उम्मीद करता हूँ कि आपको
पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। तो चलिए बात करते हैं अब उज्बेकिस्तान। देखिए उज्बेकिस्तान, देखिए करना कैसे है आपको उज्बेकिस्तान बनाने के लिए, जा के व्यंजन को बनाना है, फिर करना क्या है इसमें, आप चाहें तो बा के व्यंजन को बनाइए, राइट, फिर का के व्यंजन को बनाते हुए सा के वृत्ति के साथ ता व्यंजन को ना अंकड़े के साथ ये पढ़ा जाएगा उज्बेकिस्तान। उसके बाद क्या है ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान देखिए किस तरीके से हम बना सकते हैं ताजिकिस्तान, तो वो देखिए, देखिए हम करेंगे क्या, ता के व्यंजन को बनाएंगे सा के वृत्ति के साथ, का व्यंजन को बनाते हुए सा के वृत्ति के साथ, फिर इसमें ता व्यंजन को ना का आंकड़ा। आप कहेंगे कि ये तो लिखा है ताजिकिस्तान, तो हमने आपको जब शॉर्ट हैंड आपने सीखा होगा, कहीं भी सीखा होगा, यदि आप मुझसे यूट्यूब पर सीखे होंगे तो हमने बताया है कि कभी कभी इस सा के वृत्ति को हम जा भी पढ़ लेते हैं, ये हो जाएगा ताजिकिस्तान। उसके बाद क्या है सऊदी अरब, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और यहाँ की मुद्रा है रियाल, राइट। तो देखते हैं सऊदी अरब किस तरीके से बनेगा, सऊदी अरब ठीक ना, वो देखते हैं किस तरीके से बनेगा, सा के वृत्त को बनाना है, ये हो जाएगा सऊदी, रा के व्यंजन से बना देना है आपको और बा व्यंजन से बनाना है आपको, ये बन जाएगा सऊदी अरब। उसके बाद क्या है ईरान, ईरान की देखिए हम बात करेंगे ईरान, ईरान किस तरीके से बनेगा, तो रा व्यंजन को आपको बनाना है ना आंकड़े के साथ, यदि आप चाहें जिसमें बड़ी ई की स्वर लगा दीजिए, ये पढ़ी जाएगी ईरान। उसके बाद क्या दिया गया है इराक, इराक देखिए किस तरीके से आप बना सकते हैं, तो करना क्या है आपको इराक बनाने का तरीका देखिए, रा के व्यंजन को बनाना है काय के व्यंजन के साथ, आप इसमें चाहें तो बड़ी ई की स्वर लगा दीजिए, यदि आपको दूसरे, ये देखिए पहला तरीका ये हो गया, इसका दूसरा तरीका रा व्यंजन को बनाना है आपको, ठीक ना, इराक ये हो जाएगा इराक, इसको भी पढ़ सकते हैं आप इराक। अब देखते हैं ओमान कि ओमान किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, देखिए करना क्या है माँ को बनाना है माँ व्यंजन को ना आंकड़े के साथ, इसमें आप ओ की स्वर लगा दीजिए, ये पढ़ा जाएगा ओमान। उसके बाद है पॉइंट नंबर 17 जो कि हमारा भारत का, सॉरी ये जो श्रीलंका है ये पड़ोसी देश अपना ये है, ये जलीय पड़ोसी देश है, तो ये भारत के नॉर्थ में, सॉरी साउथ में पड़ता है दक्षिण में, और श्रीलंका की देखिए दो राजधानी हैं, एक राजधानी है इसकी वाणिज्यिक राजधानी, इसकी वाणिज्यिक राजधानी है कोलंबो, और इसकी एक राजधानी और है, इसकी ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ इसकी देखिए इसकी चूंकि दो राजधानी हैं, पहला इसकी राजधानी है कंबोडिया, हमने बताया इसकी राजधानी है, एक राजधानी इसकी और है, हाँ वाणिज्यिक राजधानी इसकी है श्री जयवर्धने कोटे, राइट, इसकी दो राजधानी हो गई। तो देखिए हम बात करेंगे श्रीलंका की, तो देखिए श्रीलंका किस तरीके से हम बता सकते हैं आपको, तो करना क्या है सा व्यंजन को रा आंकड़े के साथ, फिर इसी में ला के व्यंजन को इतना, फिर ना को ला व्यंजन को ना आंकड़े के साथ, फिर इसी में आप का के व्यंजन को जोड़ दीजिए, ये पढ़ा जाएगा श्रीलंका। उसके बाद दिया है तुर्कमेनिस्तान, देखते हैं तुर्कमेनिस्तान किस तरीके से पढ़ेंगे हम, तुर्कमेनिस्तान ता व्यंजन को रा आंकड़े के साथ, फिर का के व्यंजन को, फिर मा व्यंजन को बनाना है आपको ना के व्यंजन के साथ, तुर्कमेनिस सा के वृत्त को बनाते हुए ता के व्यंजन को ना आंकड़े के साथ, ये पढ़ा जाएगा तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद क्या है मंगोलिया, तो देखिए माँ को व्यंजन को बनाना है ना के व्यंजन के साथ, राइट, फिर गा व्यंजन को इसी में ला आंकड़े के साथ, फिर ला के व्यंजन को बनाना है इसमें या के आंकड़े को जोड़ देना है, ये हो जाएगा मंगोलिया। उसके बाद क्या दिया गया है पॉइंट नंबर 20 दिया गया है यमन, जिसकी राजधानी है साना, यमन की मुद्रा है रियाल, राइट। तो देखिए या के व्यंजन को बनाना है आपको मा व्यंजन को ना आंकड़े के साथ, ये पढ़ा जाएगा यमन। तो आई होप कि आप सभी लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, तो चलिए अब जिन जो भी इसको एक बार में इसकी प्रैक्टिस हो गई हो तो वो डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहे, और ये मत समझिए कि एशिया में इतने ही देश हैं, अभी और देश हैं जो कि ये आप ये मांग चलिए कि भाग वन है, इसका पार्ट टू मैं कल लेने की कल की क्लास में जितने भी सारे और भी देश हैं उस पर मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए और देखिए मैं आपको यही बोलूँगा कि जिनको भी किसी भी आउटलाइंस में दिक्कत हुआ करें वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसमें अपने कॉपियों पर लिखकर मेरे व्हाट्सएप के थ्रू आप भेज दिया करें, मैं अगले क्लास के दिन आप सभी लोग भेजे रहेंगे आउटलाइंस, मैं उसका अच्छे तरीके से डिस्कस कर दूंगा क्लास में ही। तो चलिए बात करते हैं डिक्टेशन की, रेडी स्टार्ट। भारत, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया,
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, इराक, ओमान, श्रीलंका, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया, यमन। स्टॉप। तो दोस्तों ये था डिक्टेशन, आउटलाइंस विद डिक्टेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं सेशन ले रहा हूँ आउटलाइंस विद डिक्टेशन की, आपको पूर्ण रूप से और अच्छा भी लग रहा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में बताया करें और एक दूसरे के पास वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि अपने पास जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जिस तरीके से यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2019 का जो वैकेंसी थी उसमें जो स्किल टेस्ट बाकी रह गया था उसकी डेट लगी हुई है। तो यदि आप उन सभी में से हो तो आप हमारे द्वारा जो भी पुस्तक निकाली गई है प्रीवियस ईयर का, तो उसकी प्रैक्टिस करें। निश्चित ही है कि आपको उससे बाहर डिक्टेशन में कुछ भी नहीं बोला जाएगा। उसके अलावा जिस पर जैसे शॉर्ट हैंड कॉपियाँ जो होती हैं, वो जिस पर आप लिखते हैं शॉर्ट हैंड नोट्स बुक जो होती है, यदि आपको वो चाहिए तो वो भी अपने पास अवेलेबल है, तो वो भी आपको उचित रेट पर ही आपको मिल जाएंगी घर बैठे ही। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।